एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। आज मैं spark.iitr.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर हूँ। आखिर ये स्पार्क है क्या? देखिए, आईआईटी रुड़की इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रहा है और इसी इंटर्नशिप का नाम इन्होंने स्पार्क रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आईआईटी रुड़की इज़ ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फंडेड स्पार्क फेलोशिप्स फॉर इंटर्नशिप्स विद अ वीकली स्टाइपेंड ऑफ ₹2500 पर वीक। तो यहाँ पे एक स्टाइपेंड भी मिल रहा है 2500 पर वीक में, अगर आप सेलेक्ट होते हैं आईआईटी रुड़की के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। तो इसकी डेट्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स? एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होगा और प्रोग्राम का स्टार्ट मई सेकेंड वीक में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है? तो ये एप्लीकेशन या अप्लाई करने का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे और उसके बाद वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पे आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट्स भी और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका प्योर मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स को आईआईटी रुड़की के कोर्सेज की तरफ अट्रैक्ट करवाया जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आईआईटी रुड़की में मैक्सिमम कोर्सेज करें। तो ये इनका प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इनरोल्ड एंड हैव कम्प्लीटेड एटलीस्ट 2 semesters ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आप करेंटली इनरोल्ड हो एंड हैव कम्प्लीटेड एटलीस्ट 2 semesters, 2 semesters आपके पूरे हो चुके हों और आप अभी करेंटली पढ़ रहे हों। किन कोर्सेज में? यहाँ पे मैंशनड है BR, BE, BTEC, MSc, MA। इन कोर्सेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। अब CGPA, अगर आप IIT को बिलोंग करते हैं तो आपका CGPA 7.5 से ऊपर होना चाहिए, ये IIT और IISc दोनों के लिए है। अगर आपका CGPA 8.0 है और आप NIT, ICER, NICER, IIEST, UM, DAE, CBS को बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका CGPA 8.5 से ऊपर है तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट के अगर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस में प्लीज़ लॉग इन एंड सबमिट योर एप्लीकेशन एंड व्यू स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। आप जब मैंने आपको जहाँ पे दिखाया था अप्लाई करने का पोर्टल, वहाँ पे आप अप्लाई करिए और उसके बाद अपना स्टेटस चेक करते रहिए। तो एप्लीकेशंस जो हैं वो नीड टू बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल है, पूरा का पूरा उसी के थ्रू आपको सबमिशंस करना है। और इसके बाद आपको लास्ट सेमेस्टर की अपनी मार्कशीट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विल हैव टू अपलोड द लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट ऑफ करेंट डिग्री, इसके अलावा फोटोग्राफ और 500 वर्ड का रिसर्च स्टेटमेंट एंड ब्रीफ 1 to 2 page रेज्यूमे। तो इतनी चीज़ें आपको सबमिट करनी है, लास्ट ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट कह लीजिए, इसके अलावा जो आपका फोटोग्राफ है, 500 वर्ड रिसर्च स्टेटमेंट और 1 to 2 page रिज्यूमे आपको लगाना है। एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विल बी ऑल्सो सॉट। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट से हैं तो NOC देना पड़ेगा। एंड एप्लीकेंट्स नीड टू मेंशन नेम्स ऑफ 5 faculty members ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इंटरेस्टेड इन हैविंग अ समर इंटर्न। आपको 5 members का नाम ज़रूर देना होगा जिनके अंडर में आप काम करना चाहते हैं। तो ये 5 members का नाम आपको मिल जाएगा जहाँ पे फैकल्टी लिस्ट दी हुई है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं समर इंटर्न को हायर करने के लिए। तो और भी इसके अलावा भी आप रीड मोर पे ऊपर क्लिक करके आप और देख सकते हैं। अब देखिए कि जो एकोमोडेशन है और मेस फैसिलिटी आपको वहाँ के जो हॉस्टल्स हैं उसके अंदर मिल जाएगी, और जहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ हाउसिंग जो है वो 5500 rupees पर मंथ होगा इंक्लूडिंग मेस फैसिलिटी। मेस फैसिलिटी को जोड़ करके इतने पैसे आपको लगेंगे। और ऑल इंटर्न्स विल बी इशूड टेम्प्रेरी इंस्टीट्यूट ID, आपको टेम्प्रेरी इंस्टीट्यूट ID भी मिल जाएगा ताकि आप सारी की सारी वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, मेडिकल, कंप्यूटर सेंटर, इंटरनेट, सब चीज़ों का आप फ़ायदा यहाँ पे उठा सकें। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विद द नेम ऑफ द इंटर्न मेंटर साइंड बाय डीन SRIC विल बी इशूड टू ऑल इंटर्न्स। तो आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आपकी, जो भी आपको ज़रूरत है इसमें। आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए और उसके बाद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफकोर्स 31 मार्च 2023 से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।